बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। सूरज ग्रहण के हवाले से बताया जा रहा है कि कल हफ्ता को पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत सूरज ग्रहण होगा, और इस हवाले से मुख्तलिफ मज़ाहिब में मुख्तलिफ सोच और नज़रियात पाए जाते हैं। कहीं कहा जाता है कि यह हमला ख़वातीन के लिए बहुत ख़तरनाक होता है, और ये भी कहा जाता है कि सूरज ग्रहण को देखने के वाले जो हैं उनकी आंखों की बिनाई ज़ाया हो सकती है। जब हमारे मौजूदा जो वफाकी वज़ीर इत्तला'आत और नशरियात हैं जनाब फवाद चौधरी साहब, जब वो वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने भी ये कहा था कि सूरज ग्रहण को देखने से आपकी आंखों का नुकसान हो सकता है। तो इस हवाले से जो एक तहकीकती रिपोर्ट है वो मैं आपके गुजार करता हूं, और हम कोशिश करेंगे कि आपको बताएं कि दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब और ख़ित्तों में इस हवाले से क्या नज़रियात पाए जाते हैं, और सूरज ग्रहण का इस्लाम में क्या हवाला है, और फिर चीनी सकाफत में इसको क्या देखा जाता है, इसी तरह अमरीका में इसके हवाले से क्या नज़रियात पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जी तो नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हफ्ता को सूरज ग्रहण लगेगा। इस ऐलान के साथ ही मुख्तलिफ किस्म की थ्योरियाँ बाजार में गर्म हैं। ताहम इस बात का खदशा है कि इससे मुतल्लक मफरूज़े आपकी नफ्सियात पर ना सिर्फ हावी हो चुके होंगे बल्कि हमेशा के लिए वहीं रहने का बंदोबस्त भी कर चुके होंगे। मिसाल के तौर पर सूरज ग्रहण के दौरान ख़तरनाक शुआएँ निकलती हैं जिससे आँखें मुतासर होती हैं, और इस वक्त सूरज की जानब देखने वाला अपनी बेनाई से हाथ धो बैठता है। और फिर ये कि अगर हमला ख़वातीन ग्रहण के दौरान बाहर निकलें तो इनके हमल ज़ाया हो सकते हैं। फिर मजहबी अफराद के यहाँ मकबूल फरूज़ा के सूरज ग्रहण क़यामत की निशानियों में से एक है समेत कई दीगर सनसनी खेज मफरूज़े मौजूद हैं। लेकिन क्या ये मफरूज़े दुरुस्त हैं? इनमें कोई वाक़याती शहादत मौजूद है? क्या साइंसी तौर पर कोई दलील इनको साबित करती है? इस हवाले से अमूमी जवाब नहीं है। सूरज ग्रहण से जुड़ी इतकादी और तोहम प्रस्ताना अफवाहों पर मबनी इन मफरूज़ों का जायज़ा लेने से पहले हमें सूरज ग्रहण की तारीख और इससे जुड़े माशरती इतकादात का मुख्तसर और तायराना जायज़ा लेना ज़रूरी है। सूरज ग्रहण एक फलकियाती अमल है जिसमें हरकत के दौरान चाँद ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाता है, जिससे सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुँच नहीं पाती और इसकी जगह एक साया तश्कील होता है। इस सूरत हाल को हम सूरज ग्रहण कहते हैं। ये निज़ाम शमसी का हिस्सा तीन फलकियाती अजसाम की हरकत से पैदा होने वाली पोजिशन की वजह से तश्कील पाता है। हजरत इंसान हमेशा से फलकी अजसाम से मशहूर कुन कभी इनसे खौफजदा रहा है तो कभी इनको पूछता रहा है, ताहम इनकी मौजूदगी इंसान की पुदाइश से पहले का अमल है। और इसी तरह सूरज ग्रहण 10,000 साल या 1,000 साल पुराना अमल नहीं है, बल्कि ये लाखों साल कबल जबकि इंसानी जिंदगी का आगाज भी ना हुआ था तब से होता चला आ रहा है। समझने के लिए ये कहा जा सकता है कि सूरज ग्रहण इंसानी तारीख से पहले से जारी है। लेकिन अगर हम पिछले 5,000 सालों पर नज़र दौड़ाएं तो मालूम होता है कि 3,340 कबल मसीह में सूरज ग्रहण ने मौजूदा आयरलैंड के कुछ हिस्सों को अंधेरे में डुबो दिया था। इसी दौरान से कुछ 100 साल बाद ही ताउन की बीमारी फैलने के दौरान मिस्र में भी सूरज ग्रहण लगने के शवाहद तारीख और मजहबी किताबों में मिलते हैं। ताहम कदीम चीनी सकाफत और सियासत में सूरज ग्रहण का एक बड़ा किरदार माना जाता था। 2100 कबलज मसीह से 2600 कबलज मसीह चीनी मुआशरे में समझा जाता था कि एक फलकियाती अजदहा सूरज को खा रहा है। चीनी हुक्मरान इसे अपनी हुक्मरानी के लिए बदशगुनी समझते थे, और इस फलकियाती या आसमानी अजदे को कत्ल करने के लिए उन्होंने अपने दरबार में फलकियाती और मजहबी अफराद रखे हुए थे जो इस अजदे की रोकदाम करते थे। बताया जाता है कि एक बार एक सूरज ग्रहण के बारे में पेशगी इतला ना देने पर बादशाह के महल के 2 माहरीन फलकियात हस्सी और हू के गले काट दिए गए। कदीम जमाने की यूनानी तहजीब में इसे खुदाओं की नाराजगी से गर्दाना जाता था। जनूबी अमेरिका में ये माना जाता था कि एक रीछ देवता गुस्से में सूरज को खा जाता है। इसी तरह इसी अरसे में वियतनाम में ये समाजी अकीदा था कि एक मेंढक सूरज को खा जाए तो सूरज ग्रहण जैसी सूरतयाल पैदा होती है। 2500 तथा 3000 के ज़माने में कदीम हिंदू अकीदे में सूरज ग्रहण के बारे में समझा जाता था कि राहु के अमृत पीने पर देवताओं की जानब से इसका सर कलम किया गया, और कलम शुदा सर को जब सूरज की जानब फेंका गया तो वो इस सूरज को खा गया। कदीम कोरियाई सकाफत में 1500 कबल मसीह में समझा जाता था कि आसमानी कुत्ते जब गुस्से में आते हैं तो वो सूरज को चुरा लेते हैं। एक और रवायत है, जब फिरौन ने कैदी इसराइलियों को छोड़ने से इनकार किया तो हजरत मूसा ने खुदा के हुक्म से मिस्र के साहिबान पर बाजू फैलाया, जिसके नतीजे में गहरा अंधेरा छा गया कि हाथ को हाथ ना सुझाई देता था। ईसाई कीदा में यह माना जाता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सूली चढ़ने के फौरी बाद सूरज ग्रहण लगा था।
ज़्यादा तारीख दान इस वाक़े को 29 मौजूद अज़मसी का वाक़या करार देते हैं, जब 1.5 से 2 मिनट तक आसमान के स्याह होने के शवाहिद मिलते हैं। ईसाइत में सूरज ग्रहण को एक खुदाई पैगाम समझा जाता है और मार्क जोएल और दीगर हवालात अंजील इसके लिए पेश किए जाते हैं। अरबों में मशहूर था कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण तब लगता है जब ज़मीन पर कोई बहुत बड़ा जुल्म हो। ताहम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे रद्द किया। इस हवाले से बुखारी शरीफ की हदीस है कि एक दफ़ा सूरज ग्रहण हुआ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत घबरा कर उठे इस डर से कि कहीं क़यामत ना कायम हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में आकर बहुत ही लंबा क़याम किया, लंबा रुकू और लंबे सजदों के साथ नमाज पढ़ी। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला का कहना है कि मैंने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह करते नहीं देखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद फरमाया कि ये निशानियां हैं जिन्हें अल्लाह ताला भेजता है, ये किसी की मौत और हयात की वजह से नहीं आती, बल्कि अल्लाह ताला इनके ज़रिए अपने बंदों को डराता है। इसलिए जब तुम इस तरह की कोई चीज़ देखो तो फौरन अल्लाह ताला के ज़िक्र और इससे इस्तग़फ़ार की तरफ लपको। इस हवाले से ये अमर भी अहम है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 2 साल कबल भी एक मुकम्मल सूरज ग्रहण 569 ईस्वी में लगा था, जिसके 3.5 मिनट तक जारी रहने के शवाहिद मिलते हैं। अरब इसे अपने हुक्मरानी के ज़वाल का निशान समझते थे। हज़रत इब्राहिम के इंतकाल से कबल भी एक सूरज ग्रहण के शवाहिद मिलते हैं, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कोई भी शख्स ग्रहण लगने से नहीं मरता। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने 2017 में सूरज ग्रहण से मुतल्लक अफवाहों की तरदीद करती हुई अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यह कहना कि सूरज ग्रहण में अगर सूरज की जानब देखा जाए तो सूर्य से निकलने वाली मखसूस मुजर बेनाई शुआएं बेनाई को नुकसान पहुंचाती हैं बिल्कुल गलत है, क्योंकि सूरज ग्रहण के दौरान कोई नई शुआएं नहीं निकलती, बल्कि रफ कमज़ोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज 150 मिलियन किलोमीटर का फासला तय करके ज़मीन तक पहुंच पाती हैं, जो इतनी कमज़ोर हैं कि वो आँख को नुकसान नहीं दे सकती। अलबत्ता ग्रहण से पहले पूरे चमकते सूरज को ज़्यादा देर देखने से आँखों को नुकसान पहुँच सकता है। ताहम इंसानी आँख का इसके लिए कुदरती रद्देमल यही होता है कि वह सूर्य से अपना फोकस हटा लेती है। आम तौर पर अगर बयान किया जाए तो यह कि सूरज ग्रहण कहीं से भी कीमियाई या ताबकारी का अमल नहीं है, बल्कि एक फिजिकल अमल है जिसमें किसी किस्म की कोई शुआएं नहीं निकलती, और चमकते हुए सूरज को अगर वैसे भी देखा जाए तो आंखों को नुकसान होता है। गो के बज़ाहिर साइंसी में ऐलान रखने वाले पाकिस्तान के वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने भी आवाम को अपनी आँखों को बचाने के लिए बताया था कि ग्रहण आंखों के लिए मुज़र हो सकता है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक ये मफरूज़ा भी अफवाह है, क्योंकि हमारे माहौल में किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती, क्योंकि सूरज में किसी किस्म की कोई ताबकारी नहीं होती, इसलिए हमला ख़वातीन के लिए भी इससे कोई नुकसान नहीं होता। नासा के मुताबिक अगले 1000 साल तक सूरज के ग्रहण कब होंगे इस हवाले से पेशगोइयाँ हो सकती हैं, और खला में होने वाले अवामल एक ख़ास ज्योमेट्रिकल तरतीब से हो रहे हैं और सूरज ग्रहण का किसी से कोई तल्लक नहीं। इस्लामी तालीमात में वाज़ह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी इस हवाले से कोई इशारा सादर नहीं फरमाया। जामिया बनावरिया की वेबसाइट पर एक मसले के जवाब में सूरज ग्रहण के बारे में कुछ यूं कहा गया है कि चाँद और सूरज ग्रहण अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है, जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को तंबीह फरमाते हैं। इस मौका पर दुआ इस्तग़फ़ार का अहतमाम करने की तालीम दी गई है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूर्य ग्रहण के मौका पर इज्तमाई और चांद ग्रहण के मौका पर इनफरादी नमाजों इस्तग़फ़ार का और दुआ का अहतमाम और तरकीब साबित है, और बाकी सब तहमात हैं। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस मुल्क में क्या नज़रिया पाया जाता है और कौन सा मज़हब क्या सोचता है कि जब सूरज ग्रहण होता है, और हमारा इस्लाम हमें क्या दर्श देता है। लेकिन अब दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है कि सूरज ग्रहण जब भी होता है मुख्तलिफ ममालिक में इस हवाले से कुछ फेस्टिवल होते हैं, जहाँ पे सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो उनको देखने के लिए ख़ास अहतमाम किए जाते हैं। अलबत्ता हमारे यहाँ चूँकि हम मुसलमान हैं, हमें तौबा इस्तग़फ़ार का अहतमाम करना चाहिए, लिहाजा कल सूरज ग्रहण है, हमें तौबा इस्तग़फ़ार का ज़्यादा अहतमाम करना चाहिए। वैसे भी हमारे अमाल ऐसे हैं कि चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण ना भी हो तो हमें तौबा इस्तग़फ़ार का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।